हाँ तो बच्चों देखिए, हमने लास्ट टर्न पे थोड़ा सा वीकेंड पे सीखा था कि एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस को कैसे कनेक्ट करें। अब हम टाइम एंड वर्क में एंड और वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैसे करें ये सीखते हैं ज़रा। हमें नॉर्मली एंड और वाले क्वेश्चंस को करते टाइम ये फॉर्मूला हर जगह यूज़ करते हुए देखना होता है। जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं तो हमें एंड और वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला दिखता है, एम वन डी वन एच वन अपॉन डब्ल्यू वन आर वन बराबर एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू आर टू, वेयर एम वन इज़ योर नंबर ऑफ मैन वुमेन बॉयज़ गर्ल्स, जो भी गिवन होगा दैट इज़ योर एम, डी फॉर डेज, एच फॉर आवर्स, डब्ल्यू फॉर वर्क एंड आर फॉर रेट। तो ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली और एंड और वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट ऐसा करने से हमें एंड और वाले एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या होते हैं, जहाँ पे फोर मैन थ्री वीमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, फोर मैन एंड थ्री वीमेन या फोर मैन और थ्री वीमेन, तो जहाँ भी ये एंड और आता है समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर हमें ये फार्मूला हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। हाँ, हमें ये फार्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए, बट हम ज़्यादातर बचेंगे इन फार्मूलों से, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं। तो अच्छा, मैं ये सब आपको अभी इसलिए बताए दे रहा हूँ क्योंकि फिर एंड और एफिशिएंसी ये सब सिखाने के बाद मैं आपको इसकी डीआई भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें आप एफिशिएंसी के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं प्रीवियस लेक्चर में उसको और इस एंड और वाले इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और दोनों को यूज़ करके डायरेक्ट आंसर देंगे अपने पूरे के पूरे पीओ मेंस वगैरह लेवल के क्वेश्चंस का, कहाँ से, डीआई वाले क्वेश्चन से। तो चले पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं ज़रा, बेसिक इसका क्लियर कर ले, फास्ट करना सीख ले। थ्री मैन और फोर बॉयज़ और फाइव गर्ल्स, थ्री मैन और फोर बॉयज़ और फाइव गर्ल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। वैसे भी ये हमको अर्थमेटिक के कौन से क्वेश्चन में, हमें प्री में भी ये देखने को मिलेगा, डीआई सीरीज इनइक्वालिटी, इनके अलावा जो हमारे क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक के चैप्टर पे बेस्ड, उन पे भी ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेंस में नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट यहाँ से कनेक्ट करके डीआई बनाई जाएगी, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीखें जरा कॉन्सेप्ट को, तीन आदमी या चार लड़के या पाँच लड़कियाँ किसी काम को कितने दिन में करते हैं, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सपोज 20 डेज, देन वन मैन एंड टू बॉयज एंड टू गर्ल्स, क्या बोल रहा है, वन मैन एंड टू बॉयज एंड टू गर्ल्स विल डू इट इन हाउ मेनी डेज। मैन बॉयज गर्ल्स की बात हुई है तो वीमेन नहीं हमने यूज किया है, वन मैन एंड टू बॉयज एंड टू गर्ल्स विल डू इट इन हाउ मेनी डेज। अब इसको आप कर सकते हैं और आप करके आंसर भी बोले अपना। तो ओरल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ओरल समझाए दे रहा हूँ, आप देखें ज़रा। आप एम वन डी वन लगाएंगे, उसको लगाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, समझते हैं ज़रा। अगर हम एम वन डी वन लगाएं, एम वन डी वन क्या था, हमने जो फॉर्मूला देखा था ना, एम वन डी वन एच वन अपॉन डब्ल्यू वन आर वन बराबर एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू आर टू, इनको देखा था बच्चों हमने। तो यहाँ पे जो जो हमसे जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, सपोज मैन और डेज की केवल इंफॉर्मेशन दी है तो हम केवल और केवल मैन और डेज को यूज़ करेंगे। अगर आर्स भी दिया है तो आप एम वन डी वन एच वन बराबर एम टू डी टू एच टू फार्मूला लगाओगे, अगर सिर्फ मैन और डेज दिया है तो एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू फार्मूला लगाओगे, यानी पूरे पाँचों सिंबल एक साथ आ जाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आर फॉर रेट होता है, रेट कौन सा, जो अमाउंट गिवेन होती किसी भी क्वेश्चन में, रुपीज़ गिवेन होते, दैट इज़ योर आर। तो चलिए समझते हैं, यहाँ पर तो हमें आदमियों की इंफॉर्मेशन है और डेज की, तो अगर हम इसमें लगाते बेसिक तो एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू लगाते कि नहीं लगाते, यही लगाते शायद। अगर इसके बाद इस पे इसको सॉल्व करते तो थ्री मैन, चाहे आप थ्री मैन को भेजें, चाहे आप फोर बॉयज़ को भेजें और चाहे आप फाइव गर्ल्स को भेजें, किसी एक को आप भेज सकते हो, थ्री मैन और फोर बॉयज़ और फाइव गर्ल्स कितने दिन में काम को करते हैं बच्चों, कितने दिन में, 20 दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं ना, 20 डेज में, समझिए ज़रा। किसी एक को भेज सकते हो एम वन की जगह, चाहे जिसको भेज दो, सपोज़ आपने कहा सर मैं थ्री मैन को भेजूंगा इन टू डेज, डेज कितने, 20। एम टू आ जाओ, एम टू क्या है बच्चों, एम टू कह रहा है आपसे एक आदमी, बीच में एंड लगा है
सब जाएंगे, एंड का मतलब होता है दोनों जाएंगे साथ में, तीनों जाएंगे, बट और का मतलब होता है कोई एक, थ्री मैन और फोर बॉयज और फाइव गर्ल्स, और लगाए ना तो कोई एक जाएगा, और का मतलब होता है ये एफिशिएंसी में बराबर हैं, इसीलिए हमने तीन आदमी चार लड़के और पांच लड़कियों की एफिशिएंसी इक्वल लिख दी है, एग्री। अभी देखिए अभी क्या कह रहा है, वन मैन एंड वन मैन भेजा, एंड यानी साथ में टू बॉयज भी भेजे एंड टू गर्ल्स भी भेजी, सही है बच्चों। इसका डेज पूछ रहा है इनटू डी टू, कैसे करेंगे जरा देखिएगा, करेंगे हम ये कि इधर मेन है, यहां भी मेन है, बीच में बॉयज और गर्ल्स आ गए, तो आदमियों के बीच में बच्चे आएंगे तो इनको बदल देंगे, क्या बदल देंगे, आदमी बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा, दो लड़कों को आदमी बनाना है, कैसे बनाएंगे, चार लड़के तीन आदमियों के बराबर हैं, फोर बॉयज इज इक्वल्स टू थ्री मैन, तो वन बॉय कितने के बराबर आएगा बच्चों, थ्री बाई फोर मैन के, फोर को नीचे भेज दिया ना, तो टू बॉयज कितने के बराबर आएंगे, इसका डबल कर देंगे, डबल करोगे तो थ्री बाई फोर इंटू टू यही होगा, यानी थ्री बाई टू मैन, एग्री है आप। तो ये बताइए कि कितने मैन हो जाएंगे, थ्री बाई टू मैन, तो थ्री बाई टू मैन यहाँ पर हम बॉयज की जगह रिप्लेस कर देंगे, वन मैन ऑलरेडी मैन बना रहेगा और यहाँ पर थ्री बाई टू मैन आ जाएंगे प्लस। अभी देखिए जरा इन गर्ल्स को भी चेंज करते हैं, बताइए फाइव गर्ल्स कितने आदमियों के बराबर हैं, थ्री मैन। आदमियों में क्यों सबको चेंज कर रहे हैं, मैन में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों इस साइड हमने मैन को यूज़ कर लिया है, तो उस साइड भी अब सबको मैन बनाएंगे। तो अब ये बताइए फाइव गर्ल्स तीन आदमियों के बराबर, तो वन गर्ल कितने के बराबर होगी, वन गर्ल इज इक्वल्स टू फाइव को नीचे भेज देंगे, थ्री बाई फाइव मैन, तो टू गर्ल्स इसका डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा तो सिक्स बाई फाइव मैन, देखिए सब मैन में कन्वर्ट हो गए इंटू डी टू, और यहाँ 60 m 20 इंटू तीन, एम से ये m सारे कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप m को कॉमन लेंगे बाहर आएगा और इसको इसको कैंसिल कर देंगे। LCM लोगे बच्चों तो कितना LCM आएगा, 10, यहाँ पे 10, दो से पाँच बार, पाँच इंटू तीन 15, पाँच से दो बार, दो इंटू छः 12, सही है। अगर आप इसको इस साइड भेजो तो 15, 12, 27, 10, 37 डी टू इज इक्वल्स टू 600/37, एग्री, इट विल बी योर आंसर। अब हम इतना बड़ा करेंगे अगर, तो हम सिलेक्शन के बारे में ना सोचें, क्योंकि हमें फास्ट भी करना होगा, केवल आंसर निकालने से अब सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन तभी होगा जब आप आंसर तो लाएंगे, वो भी सबसे पहले लाएंगे, देन व्हाट विल डू फॉर फास्ट रिजल्ट देखते हैं ज़रा। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करते तो देखें बच्चों, मैं आपको इसकी बेस्ट अप्रोच अब बता रहा हूं, आप उससे करें इसको, कभी भी आपका ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। देखें जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तीन आदमी या चार लड़के या पांच लड़कियां, एफिशिएंसी सबकी बराबर, तीन आदमी बराबर चार लड़के बराबर फाइव गर्ल्स, एग्री। अभी करना क्या है, एलसीएम ले लेना है, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 3, 4, 5 कितना होगा, साइज 60 होगा, 60 हो गया एलसीएम। अब बताइए लिखा क्या हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है कि थ्री मैन फोर बॉयज फाइव गर्ल्स, मैंने बोला एलसीएम आया 60, ये हमने मान लिया वन डे वर्क है, इसको हमने क्या मान लिया, वन डे वर्क, किसका वन डे वर्क, चाहे तो तीन आदमियों का है, चाहे तो चार लड़कों का है, और चाहे तो पांच लड़कियों का है। तो अगर थ्री मैन वन डे में 60 वर्क करते हैं तो बताइए वन मैन कितना करेगा, 20, एग्री हो। फोर बॉय 60 करते हैं तो वन बॉय कितना करेगा, 60/4 यानी वन बॉय करेगा 15। फाइव गर्ल्स अगर 60 करते हैं तो वन गर्ल कितना करेगी, 60/5 यानी 12। ये आया एक एक लोगों का वन डे वर्क, सही है, एग्री हो बच्चों। अभी देखो अब कह क्या रहा है, अब देखिएगा क्वेश्चन हमारा ओरल था, ओरल कैसे था, तीन चार पाँच देख के आपने 60 मन में सोच लिया और तीन से आपने 20 यानी एक आदमी को आप बोल रहे हो 20 काम करता है पर डे, चार लड़के अगर 60 तो एक लड़का 15 करता है और पांच लड़की अगर 60 तो एक लड़की 12, इतने के लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वन डे वर्क सबका पता है अब आपको। अब कह रहा है कि कोई भी जाए, इन तीनों में से कोई भी जाए तो आपका काम 20 डेज में होगा, इन तीनों में से कोई भी जाता है तो तीन आदमी कितना करते हैं, 60, अभी आपने बोला है कि तीन आदमी चाहे चार लड़के चाहे चार पाँच लड़कियाँ एक दिन में 60, तो अब ये बताइए एक दिन में अगर ये 60 करते हैं तो 20 डेज जाएंगे तब काम कंप्लीट होगा, तो 20 डेज तक में कितना करेंगे, वन डे में 60 तो 20 डेज में 60 इंटू 20, एग्री है।
अभी हमें अब करवाना, ये हमें मिल गया टोटल वर्क कैसे मिला, हमने सोचो तीन आदमियों को भेज दिया, एक आदमी आप बोल रहे हो 20 करता है, तो तीन आदमी कितना करेंगे पर डे 60, 60 काम एक दिन, तो 20 डेज में 60 × 20। अभी ये करवाना किससे है बच्चों, करवाना है हमें एक आदमी, दो लड़के दो लड़कियां, तो कितना आंसर आएगा 1200 टोटल वर्क है, एक आदमी, एक आदमी 20 करता है, हमने 20 लिख दिया, दो लड़के 15 दूनी 30 लिख दिया, एक लड़का 15 तो दो लड़के 30, टू गर्ल्स एक 12 तो 2 = 24, कितना आ जाएगा बच्चों 1200 अपॉन 30 × 20 = 50 = 74, यानी 600/37 डेज। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है, ऐसे ही करना है, ये सब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब मन में सोचा डायरेक्ट 1200 अपॉन बस दैट्स इट। अब हम इसको अगर विदाउट पेन एंड पेपर करते बच्चों, देखो हम इसको विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, कैसे करते समझिए, हमने एलसीएम लिया 3, 4, 5, जैसे ही और देखा तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लिया कितना आएगा 60, कितना आएगा 3, 4, 5 का एलसीएम 60, एग्री हो 3, 4, 5 का एलसीएम आ गया 60, 60 एलसीएम है। अब हम कह रहे हैं कि चाहे तीन आदमी जाए तो एक दिन में 60 करेगा, चाहे चार लड़के चाहे पांच लड़कियां, वन डे में 60 करेंगे, तो इनको जाना कितने दिन तक पड़ता है, 20 डेज तक जाना पड़ता है काम कंप्लीट करने के लिए, तो तीन आदमी को आप बोल रहे हो 60 करते तो 20 डेज में कितना करेंगे 6 × 20, सही है। अब एक आदमी के लिए पूछ रहा है, तो तीन आदमी 60 तो एक आदमी 20, देखिए अब इसको देखते हुए लिख देंगे, चार लड़के 60 तो दो लड़के 30, देखिए हम कुछ नहीं कर रहे, पांच लड़कियां 60 तो दो लड़की लिखना है, 5, 60 तो 1, 12, 2 कितना 24, देखिए वही आंसर है, और आपने जरा सा भी कुछ नहीं किया है, आप विद इन 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो और आप इसको बढ़िया से कर रहे हो। एक दूसरा लिखें उसको जरा आप आंसर दें, फिर एंड वाला भी बताते हैं आपको एकदम फास्ट कैसे करते हैं। मैंने बोला 5 men और 10 women और 15 girls कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, देन 1 man and 1 woman and 1 girl कितने डेज, आपको ये बताना है। क्वेश्चन छोटा सा है, फास्ट करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों बताओ, 5, 10, 15 व्हाट विल बी द एलसीएम, 5, 10, 15 एलसीएम कितना होगा, शायद 30 से काम चल जाएगा, तो 30 आपने लिख लिया, पांच आदमी 30 करते हैं, पांच आदमियों को ही भेज दिया, और कितने दिन तक ये जाएंगे 25 दिन तक, तो 30 × 25 विल बी योर टोटल वर्क, सही है। अभी डिवाइड किससे करना है, तो एक आदमी, पांच अगर 30 करते हैं तो एक आदमी कितना करेगा 6, 10 अगर 30 करते हैं तो एक औरत कितना करेगी 3, हमें कितनी औरत, एक औरत ही चाहिए तो 3, 15 लड़कियां अगर 30 करती हैं तो एक लड़की 2 करेगी, हमें कितनी लड़की, एक लड़की ही चाहिए प्लस 2, कितना आएगा 750/6, 3, 9, 2, 11 व्हाट विल बी द रिजल्ट। देखिए हमने कुछ भी नहीं लिखा, विद इन 5 to 10 सेकेंड आंसर बोल सकते हैं, तो होप कि आपको ये अब अच्छे से समझ में आया होगा, एक अलग सा मैंने पैटर्न बना दिया है, इस पैटर्न से आप करिए, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, M1D1 वगैरह। अभी आगे चले, चलिए अगला देखते हैं ज़रा, मैंने कहा 2 men and 3 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 2 men and 3 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 3 men and 2 women can do it in 10 days, then you will have to find 1 man and 2 women will do it in how many days. अभी देखिए स्टार्टिंग से ही एंड लगा हुआ है, कहीं भी और नहीं आया है, स्टार्टिंग से ही क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, कहीं भी और नहीं आया है, तो अब इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं, 2 men and 3 women कितने डेज में करते हैं 12 days में, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे यहाँ पर कंपेयर करने के लिए, डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे, अगर 12 days है तो 12 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम M1D1 = M2D2 जब भी लिखेंगे तो 2 men + 3 women दोनों को भेजेंगे into 12 M1 into D1 = M2 into D2 लिखेंगे, तो 3 men + 2 women
इंटू 10 लिखेंगे बच्चों, सही है। अब इससे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 24 आदमी, यहाँ से 30 आदमी, डिफरेंस कितने का 6 आदमी, यहाँ से 36 औरतें, यहाँ से 20 औरतें, तो 16 औरतें। अब हम इसको डायरेक्ट यहीं देख करके लिखेंगे, हमें ये सब स्टेप्स नहीं लिखने, स्टेप्स से बचना है, ओरल करने की कोशिश करनी। मैं आपको ओरल बता दे रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन, तो ये जब प्री वगैरह में कहीं भी आपको दिखेंगे तो आप इनको फास्ट कर सकेंगे। जिससे यहाँ पे आपने 12 into 2 24 मैन एग्री हैं, 24 मैन ऊपर वाले से, और 10 into 3 30 मैन, 24 और 30 टोटल कितने हो गए बच्चे, डिफरेंस कितना हो गया 24 और 30 का 6 मैन, डायरेक्ट लिखना है, डिफरेंस लेना है। अच्छा यहाँ पे 12 into 3 कितना 36, 10 into 2 20, 36 और 20 का डिफरेंस 16, डायरेक्ट 6 आदमी बराबर 16 औरतें, सही है। अभी मैंने क्या बताया था, जब भी एफिशिएंसी में बराबर हों लोग तो आप इसको 3 आदमी बराबर 8 औरतें भी लिख सकते हो, और इनका एलसीएम ले सकते हो 24। बाकी आगे हमारा वही है, अगर 3 आदमी 24 तो एक आदमी कितना करेगा बच्चों 8, 8 औरतें 24 तो एक औरत शायद 3 काम करेगी, सही है। ये हमारा काम हो गया। अब हम कहीं से भी टोटल लिख दें, 2 आदमी 3 औरतों को 10 दिन, या 3 आदमी 2 औरतों को, 2 आदमी 3 औरतों को 12 दिन भेज दो, चाहे 3 आदमी 2 औरतों को 10 दिन भेज दो, किसी एक को भेज दें। सपोज चलो नीचे वाले से करते हैं, 3 आदमी, 3 आदमी कितना करते हैं 24, वैसे भी लिखा हुआ है तो 24 काम करेंगे, प्लस 2 औरतें कितना करेंगी, एक औरत 3 करती तो 2 औरतें 6 करेंगी, दोनों जाएंगे तो एक दिन में 30 कर रहे होंगे, और 10 दिन तक जाना है तो इंटू 10, ये टोटल काम हो गया। अब हमें एक आदमी 2 औरत से कराना है, एक आदमी की जगह आप 8 काम लिख दोगे और 2 औरतों की जगह 3 2 6 लिख दोगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ नीचे 14 है और ऊपर 30, 30 इंटू 10 यानी 300, तो 150 लिख देंगे क्योंकि नीचे 14 था, तो सीधे 7 लिख देंगे, 150/7 विल बी योर रिजल्ट। होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान सा मैं मेथड आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल फास्टेस्ट अप्रोच टू सॉल्व एंड और क्वेश्चंस विद इन 5 सेकेंड्स। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट पर चलें। एक क्वेश्चन और आप बताइए, इसको कैसे करेंगे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 1 man and 2 boy कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, एक आदमी 2 लड़के मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। आगे देखिए, अगर लास्ट के 2 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम आपका 21 डेज में ख़त्म होता है। लास्ट के 2 डेज आदमी अकेला काम करे तो काम कितने में, 21 डेज में ख़त्म होता है। आपसे पूछ रहा है एक आदमी अकेले काम को कितने, एक लड़का अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है, क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 man plus 2 boys कितने डेज में करते हैं बच्चों, कितने डेज में, 20 डेज में, तो इनटू 20, सही है, बराबर कह रहा लास्ट के 2 डेज, लास्ट के 2 डेज आदमी अकेला काम करे, यानी एक आदमी को अकेले 2 डेज लास्ट में भेज दीजिए, सही है। तो काम आपका 21 डेज में होता है, एग्री हो, तो 19 डेज तो अभी भी बचे होंगे ना, और 19 डेज में कौन गया होगा, 1 man और 2 boy दोनों गए होंगे, सही है इतना बच्चों। अभी देखो अगर 1 man 2 boy की बात करो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ इंटू 20 into 19, आप इसको शिफ्ट कर दो तो 1 man plus 2 boy बच्चों 20 में से 19 जाएगा तो इंटू 1 बचेगा, मैंने उधर शिफ्ट करके माइनस कर दिया है 1 man 2 boy को कॉमन लेके, और इधर 2 man बचा। तो अब इस 1 man into 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो हमने हटा दिया 1 man को, इधर अगर शिफ्ट भी कर देंगे तो 1 man = 2 boy आ जाएगा, इतना समझ में आया। 1 man कितने के बराबर आया, 2 boys के बराबर, एग्री हो। अब चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2, यानी एक आदमी पर डे कितना करेगा, 2 काम, 2 लड़के 2 करते हैं तो एक लड़का कितना करेगा, 1 काम, यहाँ तक क्लियर है, हमने यही तो सीखा है। अब देखिए टोटल वर्क लिखेंगे, फिर जिससे पूछ रहा है डिवाइड कर देंगे। कह रहा है 1 man 2 boy मिलके 20 डेज में करते हैं, तो टोटल वर्क कैसे लिखेंगे, 1 man और 2 boy दोनों को भेजेंगे, 1 man कितना करता है 2 काम, और 2 boys कितना करेंगे, 1 boy 1 तो 2 boys 2, और ये जाएंगे बच्चों 20 डेज तक, तो यही तो होगा टोटल वर्क, 1 man कितना करता है 2, और 2 boys 2 दोनों को भेज दिया 20 डेज तक, ये टोटल वर्क हो गया। वो करवाना है एक लड़के से, एक लड़का बताइए बच्चों कितना करता है एक दिन में, 1 काम करता है, तो डिवाइडेड बाई 1 इट विल बी योर रिजल्ट, कितना आ जाएगा 20 into 4 80, 80 डेज आंसर। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आज से आप थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को ये बदलिए। अच्छा हाँ, अब अगर रेट वगैरह यूज़ करेगा तो M1 D1 H1
हम लगाएंगे जब ज़्यादा कुछ यूज़ करेगा तो वो भी डेटा ले आएंगे। मान लो यहाँ पे आर्स भी दिया होता तो इनटू एच कर देते, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसके आगे जब भी आपको बताऊंगा तो इसके आगे मैं आपको पूरे के पूरे सिंबल्स ला करके बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम टाइम एंड वर्क की डीआई भी देखेंगे, क्योंकि मैंने एफिशिएंसी एंड और का बेसिक बिल्कुल आपको बता दिया है। अब इसके थोड़े से नेक्स्ट सेशन में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और फिर डीआई पर आ जाएंगे। तो थैंक्स फॉर द सेशन, होप कि आपने इंजॉय किया होगा। ओके